एक कहानी लेके आई हूँ, एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी। गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह दुनिया के सबसे बदकिस्मत लोगों में से एक था। सारा गांव उसके अजीबोगरीब हरकत से थक गया था, क्योंकि वह हमेशा उदास रहता था। वह लगातार शिकायत करता था और हमेशा खराब मूड में रहता था। जितना अधिक वह जीवित रहा, उतना ही वो दुखी रहता और उसके शब्द उतने ही जहरीले थे। लोग उससे बचते थे, क्योंकि उसका दुर्भाग्य संक्रामक हो गया था। उससे जो भी मिलता था, उसका दिन अशुभ हो जाता। उसके बगल में खुश रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक भी था। इतना ज़्यादा दुखी होने के वजह से उसने दूसरों में दुख की भावना पैदा की। लेकिन एक दिन जब वह 80 साल के हुए, एक अविश्वसनीय बात हुई। ये बात लोगों में आग की तरह फैल गई। वह बूढ़ा आदमी आज खुश था। वह किसी भी चीज़ की शिकायत नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार वो मुस्कुरा रहा था और यहाँ तक कि उसका चेहरा भी तरोताज़ा दिखाई पड़ रहा था। यह देखकर पूरा गांव उसके घर के सामने इकट्ठा हो गया और सभी ने बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है। जवाब में बूढ़ा आदमी बोला, कुछ खास नहीं, 80 साल से मैं खुशी का पीछा कर रहा हूँ और यह बेकार था। मुझे खुशी कभी नहीं मिली और फिर मैंने खुशी के बिना जीने और जीवन का आनंद लेने का फैसला किया, इसलिए मैं अब खुश हूँ। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुशी का पीछा मत करो और जीवन का आनंद लो। मेरे चैनल को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।